हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में असिस्टेंट मेन्यू सेटिंग्स हैं, तो असिस्टेंट मेन्यू सेटिंग्स के जरिए कैसे आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन में, और कैसे असिस्टेंट मेन्यू के शॉर्टकट आइकन्स के जरिए फ़ोन को कैसे आप ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर एक्सेसिबिलिटी सॉरी कैसे अपने फ़ोन में सेटिंग्स पे जाकर पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो सिंपली स्लाइड करना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे चले जाना है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं, एडवांस सॉरी बैक करना है। यहाँ से इंट्रक्शन सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से असिस्टेंट मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, और यहाँ पर इसका शॉर्टकट आइकन से यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसको आप मूव कर सकते हैं और यहाँ से टैप करते हैं, तो इस तरीके से आइकन से आपके फ़ोन में शो हो जाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो पावर ऑफ मेन्यू पे जाना है, तो पावर ऑफ मेन्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाए, ग्रीन ऑप्शन, तो इसके जरिए आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं और फ़ोन को रिस्टार्ट कर पाएंगे टैप करते ही। एंड पावर ऑफ भी आप इसके जरिए कर सकते हैं, एंड इमरजेंसी कॉल भी आप इसके जरिए कर पाएंगे बिना बटन्स के आप इसका यूज़ कर सकते हैं और पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगता हूँ।